हेलो एवरीबॉडी, आज हम लीच के सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। लीच एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है और इसमें चार तरह के सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है फ्री नर्व एंडिंग्स, दूसरा एनुलर रिसेप्टर्स, थर्ड इज सेगमेंटल रिसेप्टर्स एंड फोर्थ इज आइज। अब हम एक एक करके इन सारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स के बारे में या फिर नर्व एंडिंग्स के बारे में। नर्व एंडिंग्स जो होती है ये इसकी पूरी कंप्लीट बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके बीच बीच में जो नर्व्स होती हैं वो फैली हुई रहती हैं। फ्री एंड्स जो होते हैं नर्व्स के पाए जाते हैं और ये बेसिकली कीमो रिसेप्टर नेचर के होते हैं, यानी रसायन ग्राही होते हैं। और क्योंकि ये लीच एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इसलिए ये जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कोई का एक तरीके से केमिकल एनालिसिस करता है और ये जानने की कोशिश करता है या फिर ये समझता है कि जल में किस तरह के, यानी जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में लीच प्रेजेंट है उसके वाटर का कॉम्पोजिशन कैसा है और उसमें होने वाले चेंजेस को भी समझने में ये लीच को हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर एनुलर रिसेप्टर्स। अब अगर आपको याद हो लीच की मॉर्फोलॉजी, तो लीच की जो कम्प्लीट बॉडी होती है वो 33 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है और इन 33 सेगमेंट्स को फर्दर हॉरिजॉन्टली 5 एनुलाइज के अंदर या रिंग्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब हर एक जो एनुलस होता है ये वर्टिकली 18 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड रहता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेगमेंट है उसकी बॉडी का, लीच की बॉडी का, जिसे कि 5 एनुलस के अंदर डिवाइड किया गया है। इन एनुलस को वर्टिकली 18 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है वर्टिकल लाइंस के थ्रू। इन हर एक एक सेगमेंट के अंदर छोटे छोटे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एनुलर रिसेप्टर कहते हैं। तो एक कंप्लीट रिंग के अंदर ये, क्योंकि 18 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड होता है, 18 सेक्शंस के अंदर एक एनुलस डिवाइड होता है डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, इसलिए एक कंप्लीट रिंग यानी जो हम सेगमेंट्स कहते हैं 33 सेगमेंट्स कहते हैं, उनमें से प्रत्येक सेगमेंट के अंदर 36 एनुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें से 18 एनुलर रिसेप्टर डॉर्सल साइड पर और 18 इसकी वेंट्रल साइड पर पाए जाते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनुलर रिसेप्टर एक छोटे से पेपुला के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि ओवरलैप फॉर्म के अंदर होती हैं और ये बेसिकली टैंगो रिसेप्टर या फिर स्पर्श ग्राही के रूप में काम करता है, यानी जो टच का रिसेप्शन होता है वो एनुलर रिसेप्टर जो है वो मेंटेन करता है या फिर ऑप्टेन करता है। फिर आता है सेगमेंटल रिसेप्टर्स। सेगमेंटल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रत्येक सेगमेंट यानी जो 33 सेगमेंट्स हैं उसके फर्स्ट एनुलस यानी जो फर्स्ट रिंग होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो हैं डॉर्सल सरफेस के ऊपर 4 पेयर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़े बड़े साइज के होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एनुलर रिसेप्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 4 जो होते हैं, 3 इस साइड, 3 दूसरी साइड और 2 मिडल के अंदर, 4 पेयर एनुलर जो सेगमेंटल रिसेप्टर्स हैं वो डॉर्सल साइड पर और वेंट्रल साइड पर 3 पेयर्स यानी 3 राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे करके प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह से प्रत्येक जो एनुलस है यानी प्रत्येक सेगमेंट के फर्स्ट एनुलस के अंदर 7 पेयर ऑफ सेगमेंटल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें से 4 पेयर डॉर्सल सर्फेस पे और 3 पेयर्स जो हैं वो वेंट्रल सर्फेस पे पाए जाते हैं। प्रत्येक रिसेप्टर जो होता है यानी हर एक जो सेगमेंटल रिसेप्टर्स है ये टच रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर यानी टैंगो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर दोनों काम करता है, इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स और टैंगो रिसेप्टर सेल्स दोनों तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। बाहर की और छोटी छोटी सीलिया, बालों की तरह छोटे छोटे सीलिया होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, अगर हम सेगमेंटल रिसेप्टर्स की बात करें तो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट जो सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं केवल उसी में फोटो सेंसिटिव सेल्स जो है वो पाई जाती हैं, वेंट्रल सेगमेंटल रिसेप्टर्स में ये प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम फोटो रिसेप्टर सेल्स की बात करें तो ये फोटो सेंसिटिव सेल होती है जिसके सेंटर के अंदर लेंस जो है वो प्रेजेंट पाया जाता है, यही इसका ऑप्टिक ऑर्गेनेली या फिर लेंस होता है। इनसे छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं, नर्व्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो ग्राही हैं यानी जो सेगमेंटल रिसेप्टर है
वो फोटो रिसेप्शन और साथ ही साथ टच रिसेप्शन या फिर टैंगो रिसेप्शन दोनों कामों को परफॉर्म करता है। जैसे हम पहले कह चुके हैं कि सेगमेंटल रिसेप्टर्स में जो रिसेप्टर डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है वो टैंगो रिसेप्टर यानी टच रिसेप्शन और फोटो रिसेप्शन दोनों काम करेंगे, जबकि वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट सेगमेंटल रिसेप्टर जो है वो केवल टच या टैंगो रिसेप्टर का ही काम करेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। लीच का फोर्थ सेंस ऑर्गन है इसकी आइज। आइज जो है वो फाइव पेयर्स ऑफ आइज प्रेजेंट होती हैं और कुछ साइंटिस्ट जो हैं इन्हें सेगमेंटल यानी डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट सेगमेंटल रिसेप्टर का ही रूपांतरित रूप मानते हैं, क्योंकि जिन सेगमेंट्स के अंदर आइज प्रेजेंट होती हैं उसमें सेगमेंटल रिसेप्टर डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ये एक सेमी सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो लीच का एंटीरियर एंड है आइज जो हैं वो एंटीरियर एंड पर यानी लीच की बॉडी के एंटीरियर एंड पर फाइव पेयर ऑफ आइज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और एक सेमी सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। 1, 2, 3, 4 फाइव पेयर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक और ख़ास बात भी है कि आगे से पीछे की ओर यानी एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ जो आइज हैं वो थोड़ी छोटी होती जाती हैं, और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बाउल शेप स्ट्रक्चर होती है, यानी जो आइज को अगर हम वर्टिकल सेक्शन देखें तो वो एक प्याले की तरह नज़र आता है, और प्याले की जो भित्ति होती है वो डार्क कलर की या गहरे रंग की कोशिकाओं से बनी होती है ताकि वो प्रकाश को अवशोषित कर सके। इसके अलावा इसके अपर सरफेस पे क्यूटिकल और एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है ताकि लाइट जो है इजीली क्रॉस कर सके, और अंदर की ओर फोटोसेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं जिसमें न्यूक्लियस और एक बड़ा सारा लेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये सारी की सारी फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं वो अपनी नर्व के थ्रू या फिर नर्व फाइबर के थ्रू ऑप्टिक नर्व से जुड़ी हुई रहती हैं। जो केंद्रक होता है जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, काचाव होता है, और कॉर्निया भी इसका ट्रांसपेरेंट होता है। लीच की जो आइज होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अरेंज रहती है, जिसके कारण वो अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट के ग्रहण कर सकता है। अब ये क्लियर नहीं है कि इस पे कोई इमेज बनती है या नहीं। ज़्यादा साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लीच की जो आइज होती हैं वो फोटो रिसेप्टर का काम करती हैं, यानी सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकती हैं, इनमें कोई इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कोई बिंब नहीं बनता है, कोई इमेज नहीं बनती है इसके अंदर। सिर्फ लीच ये जान पाता है कि सराउंडिंग्स के अंदर अंधेरा है या फिर लाइट है। तो इस प्रकार से हमने देखा लीच के सेंस ऑर्गन्स के अंदर, हमने चार तरह के सेंस ऑर्गन्स की बात की, प्री नर्व एंडिंग्स की जो कि टच रिसेप्टर्स हैं, सराउंडिंग्स की जितने भी सेंसेशंस हैं उनको प्रोवाइड करती है, पूरी स्किन के अंदर इसकी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो बिखरी हुई रहती हैं। फिर एनुलर रिसेप्टर्स हैं जो कि प्रत्येक रिंग के अंदर 36 पाए जाते हैं, 18 डॉर्सल सरफेस पे और 18 वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये टच या टैंगो रिसेप्टर का ही काम करते हैं। थर्ड आते हैं सेगमेंटल रिसेप्टर्स, ये हर एक सेगमेंट के फर्स्ट एनुलस यानी फर्स्ट जो रिंग होता है उसमें पाए जाते हैं, डॉर्सल सरफेस पे 4 जोड़ी और वेंट्रल सरफेस पे 3 जोड़ी पाए जाते हैं। डॉर्सल सरफेस पे पाए जाने वाले जो सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटो रिसेप्शन और टच रिसेप्टर दोनों का ही काम कर सकते हैं, जबकि वेंट्रल सरफेस पर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ टच रिसेप्शन का काम करते हैं, फोटो रिसेप्शन की जो एबिलिटी होती है वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है आइज। आइज जो होती हैं वो इसका फोटो रिसेप्शन ऑर्गन है, और ये फाइव पेयर्स प्रेजेंट होती हैं डॉर्सल सरफेस पर एंटीरियर एंड के ऊपर सेमी सर्कल के अंदर अरेंज रहती हैं, और ये आइज ज़्यादातर सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने का काम करती हैं, एक पर्टिकुलर इमेज की जो फॉर्मेशन होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं इसके अंदर जो आइज अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अरेंज होती हैं, एंगल इनके अलग अलग होते हैं, तो सभी डायरेक्शन से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करती हैं, यानी ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट कर सकती है, इसमें कोई इमेज नहीं बनती, यानी सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की जो इमेज है उसको तो लीच नहीं पहचान सकता, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो लीच में पाई जाती है। तो इसके साथ ही लीच के सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने समझा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे लीच के बाकी सिस्टम्स के बारे में। थैंक यू।